दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भगवान शंकर के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे संकट प्रभु शिव हर लें, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, सावन के महीने में तुलसी का महत्व बढ़ जाता है। इस महीने तुलसी के पौधे में हरे रंग की चुनर बांधनी चाहिए और तुलसी जी के पास शाम को दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में तुलसी का पौधा हमें नाना प्रकार के संकेत देता है, इसलिए हमें इन संकेतों पर गौर करना चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार तुलसी के पत्ते को शिव जी पर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि भगवान शिव जी ने देवी वृंदा के पति जलंधर का वध किया था, जिसमें क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान शिव को श्राप दिया था। इसके साथ ही देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया था। श्राप के प्रभाव से ही भगवान विष्णु की उत्पत्ति शालिग्राम रूप में हुई। देवी लक्ष्मी ने अपने पति को श्राप मुक्त करने की विनती की, तब देवी वृंदा ने सदैव भगवान विष्णु के साथ रहने की शर्त रखकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। फिर महान पतिव्रता देवी वृंदा सती हो गईं और महादेव की अनुकंपा से उनकी राख से एक पवित्र पौधे की उत्पत्ति हुई, जिसे ब्रह्मा जी ने तुलसी नाम दिया। यही पौधा सती वृंदा का पूजनीय स्वरूप है। भगवान विष्णु ने वृंदा को ये वरदान दिया कि समस्त संसार में तुलसी की पूजा की जाएगी और वर्ष में एक बार तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाएगा। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म के शास्त्र में हरि भल्ला कहा गया है, अर्थात तुलसी श्री हरि को बहुत प्रिय है। तुलसी एक प्रकार से महालक्ष्मी का ही अंश रूप है, इसी कारण हिंदू धर्म में इनका बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, जहाँ नित्य तुलसी की पूजा की जाती है, उस घर का कभी विनाश नहीं होता। घर के सामने तुलसी होने से अशुभ और अमंगलकारी शक्तियाँ घर से दूर रहती हैं। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, ये अत्यंत पवित्र है, जो सुख समृद्धि प्रदान करता है। तुलसी के पौधे को मुख्य द्वार या घर के आंगन में लगाना चाहिए। शास्त्र में तुलसी के पौधे को लगाने के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। कई लोग जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, जिसका उन्हें अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। तुलसी का पौधा लगाते समय शास्त्र के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा तुलसी माँ रुष्ट हो जाती है। कई लोग तुलसी को किसी पुराने पत्र या धातु के गमले में लगा देते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए। बहुत से लोग गंदे स्थान पर तुलसी का पौधा लगा देते हैं, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी जी को गंदे स्थान या नाली के पास लगाने से घर की मुखिया की सेहत पर असर पड़ता है तथा घर पर भी संकट आता है। बच्चों को जीवन में सफलता नहीं मिलती, इसलिए तुलसी को हमेशा जमीन से ऊपर और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए और उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा हमारे जीवन में कई प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत देता है। ये संकेत हमारे भविष्य से जुड़े होते हैं। ये पौधा अत्यंत संवेदनशील है। ये वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता है। घर पर आने वाले संकट और विपत्ति की जानकारी भी हमें तुलसी के पौधे से हो जाती है। साथ ही अगर जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, धन की प्राप्ति होने वाली होती है या कुछ भी खबर मिलने वाली होती है, तो भी तुलसी का पौधा शुभ संकेत देता है। इसलिए हमें नित्य तुलसी के पौधे का निरीक्षण करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी के महत्व का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य नित्य रूप से तुलसी की पूजा अर्चना करता है, उसकी कभी दुर्गत नहीं होती और उसे मृत्यु के उपरांत नरक की याचना नहीं सहनी पड़ती। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं वास कर सकती। इसी कारण से शास्त्रों में घर के सामने तुलसी के पौधे को लगाने का विधान कहा गया है। तो आइए जान लेते हैं तुलसी के पौधे द्वारा मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। तुलसी के पौधे का सूखना। दोस्तों, घर के सामने लगा तुलसी का पौधा कभी नहीं सूखना चाहिए। तुलसी का पौधा सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है।
तुलसी के पौधे न सूखें इसके लिए उपाय करना चाहिए और उसे नित्य जल देना चाहिए। तुलसी की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, उसमें कभी भी गंदा पानी न डालें। तेज धूप में तुलसी का पौधा कभी न लगाएं, न ही उसके आसपास गंदगी होनी चाहिए। ऐसे कई कारणों से तुलसी का पौधा सूखने लगता है, लेकिन यदि उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो वह कभी नहीं सूखता है। लेकिन कई सारे प्रयास करने के बाद भी अगर अचानक तुलसी का पौधा सूखने लगे व मृत दिखाई देने लगे तो इसे किसी बड़ी विपदा का संकेत समझना चाहिए। किसी कारण से आपको धन की हानि हो सकती है, व्यापार में बड़ा घाटा हो सकता है। इसलिए जब तुलसी का पौधा अचानक सूखे तो सावधान हो जाएं, उस पौधे को निकाल कर किसी नदी में बहा दें और उसकी जगह तुलसी का नया पौधा लगाएं। तुलसी का सूखा हुआ पौधा घर के सामने कभी नहीं होना चाहिए। यदि आप कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो एक मटके में जल भरकर पौधे के पास रखें ताकि उसमें नमी बनी रहे। दूसरा संकेत है तुलसी के हरे भरे पत्तों का गिरना। अगर आपके घर में तुलसी के पौधे के हरा भरा होने के बाद भी यदि तुलसी का हरा भरा पत्ता स्वयं ही गिरने लगे तो इसे अशुभ संकेत समझा जाता है। लेकिन पत्ते पीले होकर गिरे तो इसे प्राकृतिक समझा जाता है, परंतु हरे पत्ते का गिरना अशुभ माना जाता है। ये संकेत होता है कि महालक्ष्मी आपसे नाराज हैं, वह आपके घर को छोड़कर जा रही हैं, जिसके कारण आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। घर में चारों तरफ अशांति और कलह का माहौल उत्पन्न हो जाता है। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन उस घर में नहीं होना चाहिए। इससे तुलसी मैया रुष्ट हो जाती हैं और घर का वातावरण नकारात्मक होने लगता है और वे जल्दी ही सूख जाती हैं। तीसरा संकेत है तुलसी के पास अन्य पौधे का उगना। यदि आपके घर की तुलसी के पौधे के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं तो ये शुभ संकेत है। ये संकेत होता है कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। आपको अनेक मार्गों से धन की प्राप्ति होगी अथवा आपके व्यापार में वृद्धि होगी। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा स्वयं ही उग जाता है तो इसका अर्थ है आपके घर स्वयं माँ लक्ष्मी आई हैं, उनका आपके घर में वास हुआ है। जहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं, वहाँ के पौधे स्वयं ही हरे भरे हो जाते हैं। चौथा संकेत है तुलसी के पौधे के पास चींटियों का आना। अगर आपको लगे कि आपकी तुलसी के पौधे के गमले में अचानक से चींटियां आने लगी हैं, तो ये शुभ संकेत है। वहीं यदि इसके पौधे पर अन्य कीड़े मकौड़े लग जाते हैं तो उन्हें अशुभ संकेत समझा जाता है। तुलसी के पौधे पर मकड़ी के जाले का होना आपकी धन हानि का सूचक है, आपको धन का नुकसान होता है, इसलिए तुलसी में उस जाले को तुरंत साफ कर दें। पांचवा संकेत है तुलसी के पौधे का हरा भरा होना। यदि आपकी तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस पर मंजरी लगती है और वह बहुत सुंदर दिखता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। जितनी तुलसी का पौधा हरा भरा दिखाई देगा उतना ही आपका परिवार सुखी और समृद्ध होगा। घर में लगे तुलसी के पौधे को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस घर का माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है। यदि वातावरण पवित्र है, घर में अच्छे संस्कारों वाले लोग रहते हैं तो उनका पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है। तो यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो उसकी अच्छी प्रकार से देखभाल करें, माँ तुलसी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय माँ तुलसी।